नमस्कार दोस्तों, नव भारती परिवार में आप सबका स्वागत है। आज मैं आपको समावेशी शिक्षा के इतिहास एवं पृष्ठभूमि, विशेष बालक जो कि समावेशी शिक्षा के अंतर्गत आते हैं वो कौन कौन से हैं और उनके संगठक कौन कौन से हैं, इसके बारे में इस वीडियो में हम सब पढ़ेंगे। देखो, समावेशी जो शिक्षा है उसको 1990 में थाईलैंड में जोमेनेशियन विश्व सम्मेलन जो आयोजित किया गया, इस जोमेनेशियन विश्व सम्मेलन में पहली बार समावेशी शिक्षा के बारे में कहा गया। बच्चों, अब हम बात करें कि समावेशी शिक्षा के बारे में पहले की अवधारणाएं क्या थी। बच्चों, तो ध्यान से सुने। आप जानते हैं प्राचीन काल में प्लेटो और अरस्तु का जो काल था उस समय क्या कहा जाता था? उस समय कहा जाता था कि शारीरिक और मानसिक रूप से जो विकलांग बच्चे हैं वो बच्चे ईश्वर का अभिशाप है, ईश्वर का अभिशाप है, जबकि मध्यकाल में उनको भूत आत्माएं कहा जाता था। लेकिन हमारे भारत में अशोक सम्राट महान ने इनके लिए आवासों का निर्माण करवाया, इनके भोजन की व्यवस्थाएं करवाई, लेकिन फिर भी भारत में भी मध्यकाल में स्थिति इन विकलांगों की अच्छी नहीं थी। फिर विश्व परिदृश्य से अगर हम देखें बच्चों, तो विश्व में सबसे पहले 18वीं शताब्दी में इन नेत्रहीन दृष्टि बाधित बच्चों के लिए स्कूल खोले गए, और सबसे पहले बच्चों 1784 में पेरिस में पहला नेत्रहीन विद्यालय खोला गया, 1784 में पेरिस में खोला गया। और इस 1784 के पेरिस में खोलने के बाद धीरे 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 कई जगह विद्यालयों की स्थापना की गई। भारत में भी स्वतंत्रता से पहले 35 विद्यालय नेत्रहीनों के थे। इसके अलावा आप जो है स्वर्णहीन बाधितों के लिए भी स्कूल थे, 3 कुष्ठ रोगियों के लिए भी विद्यालय थे। तो इन विद्यालयों में जिन विकलांगों ने अध्ययन किया उन्होंने आगे जाकर बहुत अच्छा काम किया। तो भारतीय शिक्षा पद्धति ने इस बात को समझ लिया। भारतीय शिक्षा नीति जो 1986 में आई उन्होंने भी इस बात को स्वीकार किया कि धीरे धीरे इन विकलांग बच्चों को सामान्य बालकों के साथ समेकित किया जाना चाहिए। और 1970 में हमारे भारत में जो शिक्षा योजना आई बच्चों, उसका नाम था समेकित शिक्षा योजना। इस समेकित शिक्षा योजना में कहा गया कि जो सामान्य बालक है और विशिष्ट बालक है उनको जो अन्य क्रियाकलाप करवाए जा रहे हैं, जैसे खेलकूद प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जा रहा है, वाद विवाद प्रतियोगिताओं का आयोजन करवाया जा रहा है, निबंध प्रतियोगिताओं का आयोजन करवाया जा रहा है, इन परियोजनाओं के आयोजन में क्या करेंगे, इन लोगों को सामान्य बालकों को विशेष बालकों के साथ समेकित करने का प्रयास किया जाएगा। ठीक है बच्चों, अब बाद में धीरे 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 समय की शिक्षा चलती रही। इससे पहले विशिष्ट शिक्षा आई, विशिष्ट शिक्षा में बच्चों को विशेष कक्षाओं में अध्ययन करवाया जाता था, लेकिन उन बालकों का व्यक्तिगत विकास उतना अच्छा नहीं हो रहा है। बच्चे का मानसिक, शारीरिक, सामाजिक, संवेगात्मक सभी दृष्टिकोणों का विकास करने के लिए हमारे सामने जो शिक्षा पद्धति आई बच्चों, उसी का नाम है समावेशी शिक्षा पद्धति। इस समावेशी शिक्षा पद्धति में ही ये जो विशिष्ट आवश्यकता वाले बालक है अपना सर्वांगीण विकास कर पा रहे थे, सामाजिक अभिवृत्ति का विकास कर पा रहे थे, सामाजिक कौशल का विकास कर पा रहे थे। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए विश्व में 1994 में स्पेन में एक सम्मेलन होता है बच्चों, सलमान का विश्व सम्मेलन। क्या नाम था? सलमान का विश्व सम्मेलन, जिसमें 92 देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया और 25 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस ने इसमें हिस्सा लिया था। अब इस सम्मेलन में, सलमान का सम्मेलन में कहा गया कि बच्चों को सुलभ और समान, मतलब यह है कि समता के साथ शिक्षा उपलब्ध करवाई जाए और संसाधन विकसित किए जाए। इस सलमान का सम्मेलन में ये बात कही गई। इसके अलावा भी सलमान का सम्मेलन में एक बात और कही गई बच्चों। क्या कहा गया? सलमान का सम्मेलन में कहा गया कि सामाजिक, बुद्धि, संवेगात्मक, मानसिक, शारीरिक, भावनात्मक, भाषाई
सभी प्रकार के बालकों को शिक्षा देना ही समावेशी शिक्षा है। इस सम्मान का सम्मेलन में कहा गया कि सामाजिक क्या शिक्षा की मुख्य धारा से अभिप्राय है कि सामाजिक बुद्धि मानसिक इसके अलावा भावनात्मक विकासात्मक भाषाई आदि सभी बालकों को एक साथ पढ़ाया जाएगा। सम्मान का सम्मेलन में कहा गया कि शिक्षा की मुख्य धारा से अभिप्राय है सामाजिक बुद्धि मानसिक भावनात्मक विकासात्मक भाषाई आदि सभी बालकों को एक साथ पढ़ाया जाएगा। ये सम्मान का सम्मेलन में बात कही। हमारे भारत में भी एनसीईआरटी का आप लोगों ने नाम सुना होगा। एनसीईआरटी जिसकी स्थापना 1961 में हुई। कब हुई बच्चों? 1961 में हुई। इस एनसीईआरटी जिसका मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में। इस एनसीईआरटी ने क्या कहा? धर्म जाति लिंग परिवार आदि भेदभावों के बिना सामान्य बालकों के साथ शिक्षा दी जाए। धर्म जाति लिंग परिवार आदि भेदभावों के बिना सामान्य बालकों के साथ बच्चे को शिक्षा दी जाए वही समावेशी शिक्षा होगी। ये हमारी कौन बोलती है? एनसीईआरटी। इसी के साथ स्टीफन वे बर्ट, नाम सुना होगा स्टीफन वे बर्ट भी यही बात कहता है कि शिक्षा की मुख्य धारा का मतलब है कि सामान्य बालकों को असक्षम बालकों के साथ बिना किसी भेदभाव के शिक्षा प्रदान की जाए। तो इन तीन की परिभाषा इतिहास और पृष्ठभूमि में अपने सबके लिए महत्वपूर्ण है। अब आपने देखा कि इसी तरह विशिष्ट शिक्षा ही 19वीं शताब्दी में 1970 के आसपास समय की शिक्षा ही। इसके बाद आप जानते हो सर्व शिक्षा अभियान आया। सर्व शिक्षा अभियान क्या आया? सर्व शिक्षा अभियान। इस सर्व शिक्षा अभियान में कहा गया कि 1 से 2 किलोमीटर की दूरी के बीच प्राथमिक शिक्षा का विद्यालय स्थापित करवाए जाए, वहाँ पर अच्छे शिक्षकों की नियुक्ति की जाए। इसके अलावा कहा गया कि 100% नामांकन सुविधा उपलब्ध होनी चाहिए, बच्चे को किसी भी तरह से स्कूल में रोका जाए, आवश्यक उपकरण उनको उपलब्ध करवाया जाए, इसके अलावा उनको मेडिकल सुविधाएँ उपलब्ध करवाई जाए। मतलब ये है कि जो पेरेंट्स और टीचर्स मीटिंग है उनका आयोजन करवाया जाए। तो ये सारी चीज़ें किसके लिए थी? ये समावेशी शिक्षा के अंतर्गत थी। तो SSA ने भी समावेशी शिक्षा को आगे बढ़ाने में अपना योगदान दिया। इसके बाद माध्यमिक स्तर पर, कौन से स्तर पर? माध्यमिक स्तर की अगर हम बात करें तो एक अभियान आया बच्चों, रमसा आया 2009-10 में। कब आया बच्चों? इस रमसा माध्यमिक शिक्षा अभियान में माध्यमिक शिक्षा का सार्वभौमीकरण करने के लिए ये रमसा आया। और इस रमसा में कहा गया कि माध्यमिक स्तर के विद्यालयों को 5 किलोमीटर की दूरी पर माध्यमिक विद्यालय होना चाहिए,
7 से 10 किलोमीटर की दूरी पर एक उच्च माध्यमिक विद्यालय स्थापित होना चाहिए और माध्यमिक शिक्षा का सार्वभौमीकरण करने के लिए हर बच्चे को समान शिक्षा उपलब्ध करवाने के लिए इस रमसा ने भी अपना योगदान दिया। तो समावेशी शिक्षा को आगे बढ़ाने में SSA और रमसा ने महत्वपूर्ण योगदान दिया। इसी का एक समन्वित कार्यक्रम जो वर्तमान में चल रहा है बच्चों, उसका नाम है समसा, समग्र शिक्षा अभियान। ये जो समसा है बच्चों, समग्र शिक्षा अभियान, सबको शिक्षा अच्छी शिक्षा, ये इसका नारा है। और उसमें यही कहा गया है कि पूर्व प्राथमिक से लेकर 12वीं क्लास तक के बच्चों को शिक्षा उपलब्ध करवाना। और इसी शिक्षा के अंतर्गत आप लोगों को पता है बच्चों, पहले प्राथमिक शिक्षा विभाग और माध्यमिक शिक्षा विभाग अलग अलग था, लेकिन इस समसा के तहत इन सब को मिला दिया गया और इन सब का उद्देश्य एक ही रख दिया गया। माध्यमिक के लिए अलग से योजनाएं, प्राथमिक के लिए अलग से योजनाएं, पूर्व प्राथमिक के लिए अलग से योजनाएं, इन योजनाओं को नकार करके 2018 में एक नया कार्यक्रम आया बच्चों, समग्र शिक्षा अभियान। इस समग्र शिक्षा अभियान का उद्देश्य है पूर्व प्राथमिक से लेकर 12वीं तक के बच्चों का सार्वभौमिकरण करना, 100% नामांकन और ठहराव सुविधा उपलब्ध करवाना, ये इस समसा का उद्देश्य है। और जब समसा के कार्यक्रम क्रियान्वित होंगे तो समावेशी शिक्षा अपने आप आगे जाएगी। अब बात ये आती है कि समावेशी शिक्षा के अंतर्गत किन किन चीजों को शामिल किया गया, सॉरी किन किन बालकों को शामिल किया गया है बच्चों। तो समावेशी शिक्षा के अंतर्गत सबसे पहले CWSL, CWSL का मतलब है स्पेशल नीड्स वाले जो चाइल्ड्स हैं, उन बच्चों को शामिल किया गया है। विशिष्ट आवश्यकता वाले बालकों में बच्चों कौन कौन से आ सकते हैं, देखो विशिष्ट आवश्यकता वाले बालकों में प्रतिभाशाली आ सकते हैं, मंदबुद्धि भी विशिष्ट में आते हैं, दृष्टिबाधित भी विशिष्ट में आ सकते हैं, तो जिनको विशिष्ट आवश्यकता, विशिष्ट वस्तुओं की आवश्यकता हो, स्पेशल नीड्स हो जिनको, वो बच्चे जो होते हैं बच्चों वो विशिष्ट आवश्यकता वाले बालक कहलाते हैं। तो विशिष्ट आवश्यकता वाले बालक को समावेशी शिक्षा में शामिल किया गया है। फिर आता है बच्चों मानसिक रूप से, आपको पता है बच्चों मानसिक रूप से मंदबुद्धि भी होते हैं, कई बच्चे जल्दी सीख जाते हैं, कई बच्चे लेट सीख पाते हैं, कई बच्चों को बार बार प्रोजेक्टर या कोई ऐसी क्रिएटिविटी करवा करके सिखाया जाता है। तो मानसिक रूप से विभिन्नता, बुद्धि लब्धि सब बच्चे की अलग अलग होती है। शारीरिक, मैंने आपको बताया था शारीरिक विकलांगता को हम 4 भागों में बांट सकते हैं। दृष्टिबाधित कौन कौन से बताए थे, शारीरिक में देखो शारीरिक जो है विकलांगता मैंने 4 टाइप की आपको बताई थी, दृष्टिबाधित, श्रवण बाधित, वाक बाधित और अस्थि बाधित। ये 4 प्रकार की जो विकलांगता वाले बच्चे होंगे उनको भी समावेशी शिक्षा के अंतर्गत शामिल किया गया है। दृष्टिबाधित दिखने में बाधा हो, श्रवण बाधित सुनने में बाधा हो, वाक बाधित हकला करके बोलता है, स्वर उच्चारण करने में कठिनाई आ रही है, वो बालक। अस्थि बाधित, किसी का हाथ कटा हुआ है, किसी का पैर कटा हुआ है, कोई चल नहीं पा रहा है, कोई उठ नहीं पा रहा है, कोई झटके से उठ पा रहा है, वो सब जो बच्चे हैं बच्चों वो शारीरिक विकलांगता वाले बच्चे होते हैं। और शारीरिक विकलांगता वाले बच्चों को भी इसमें शामिल किया गया है, ठीक है बच्चों। उसके बाद आता है बच्चों तंत्रिका तंत्र, तंत्रिका तंत्र वाले जो बालक है, ऑटिज्म, सेरेब्रल पॉल्सी, ये जो विद्यार्थी है बच्चों वो किसमें आते हैं, तंत्रिका तंत्र। विकासात्मक, विकासात्मक बाधित कौन से होते हैं बच्चों, आप जानते हो कि कई बच्चे ऐसे होते हैं जिनकी विकास प्रक्रिया धीरे धीरे होती है, हाइट भी बाल्यावस्था में जो चीज़ें उसमें होनी चाहिए वो नहीं हो पाती है, शेषावस्था में जब 9 महीने का बालक उठने लग जाता है वो उठ नहीं पाता है, 1.5 महीने का बालक बोल नहीं पा रहा है तो इसका मतलब है कि कुछ प्रॉब्लम्स उसके अंदर आ रही है, ढंग से चल नहीं पा रहा है, 2.5 साल का बच्चा शब्दों का उच्चारण नहीं कर पा रहा है, तो मतलब है कि उसकी विकासात्मक प्रक्रिया बाधित है, विकास में कहीं ना कहीं उसके
रुकावट है। तो ऐसे बालकों को भी समावेशी शिक्षा के अंतर्गत शामिल किया जाता है। फिर आता है बच्चों पाठ्यक्रम के नकारात्मक अभिवृत्ति वाले बालक। कई बच्चों के मन में परीक्षा का भय, कब अंक आने की जिम्मेदारी, कोई मजाक उड़ा देगा। आपको पता है कि एक मंद बुद्धि बालक है, अगर मंद बुद्धि बालक नंबर कम लेके आता है तो हर बच्चा उसको चिढ़ाता है, उसको डम के नाम से अगर चिढ़ाता है। लेकिन माना जा सकता है कि जो बच्चा मैथ्स में कमजोर है वो अदर एक्टिविटी में अच्छा हो सकता है, तो अगर शिक्षक अदर एक्टिविटी में उस बच्चे की प्रशंसा करे तो वो बच्चा बहुत आगे जा सकता है। तो नकारात्मक अभिवृत्ति वाले बच्चे भी होते हैं, वो उन बच्चों को भी समावेशी शिक्षा के अंतर्गत शामिल किया जाता है। उसके बाद आता है बच्चों क्या अनुपयुक्त पाठ्यक्रम के कारण पिछड़े बालक। कई बालक ऐसे होते हैं जो पाठ्यक्रम में पिछड़ गए हैं। इसका मतलब ये भी हो सकता है कि 8th क्लास का जो बच्चा है वो 7th क्लास तक ही उसका ज्ञान सीमित है, वो 8th क्लास का पाठ्यक्रम को ग्रहण नहीं कर पा रहा है, या वो पाठ्यक्रम के समय अनुपस्थित था, तो पाठ्यक्रम पढ़ाते समय जब टीचर पढ़ा रहा था उसका ध्यान नहीं था। तो ऐसे जो बाधित बच्चे हैं उनको भी समावेशी शिक्षा के अंतर्गत शामिल किया गया है, अनुपयुक्त योजनाओं के कारण पिछड़े बालक। इसके अलावा एक पिछड़े बालक भी आते हैं। कौन से बालक? पिछड़े बालक। पिछड़े बालक कौन से होते हैं बच्चों? असुविधाग्रस्त बालक भी बोल सकते हैं जिनको। क्या बोल सकते हैं? असुविधाग्रस्त या अभावग्रस्त बालक भी बोल सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा हमारे समाज में विभिन्न जातियों के बच्चे पिछड़े बालक भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हो बच्चों? अब बात यह आती है पिछड़े बालक कौन से होते हैं। पिछड़े बालक अभावग्रस्त। कौन से बालक होते हैं बच्चों? अभावग्रस्त, जिनके भौतिक सुख सुविधाओं का अभाव होता है, शैक्षिक और सामाजिक क्षेत्र में पिछड़े हुए होते हैं वो बालक। एससी एसटी जो जातियों के बच्चे होते हैं उन बच्चों को हम पिछड़े, जो शैक्षिक और सामाजिक रूप से समाज के अन्य वर्गों से पिछड़े हुए हैं, समाज की मुख्य धारा में जिन बच्चों को शामिल नहीं किया गया है वो बच्चे बच्चों पिछड़े बालकों की श्रेणी में आते हैं। उसके बाद आता है बच्चों बौद्धिक भिन्नता के कारण। अब आपको पता है कोई बच्चा की ध्यान शक्ति अच्छी नहीं होती, एकाग्रता अच्छी नहीं होती है, कई बच्चे की विकासात्मक प्रक्रिया सही नहीं होती है, बौद्धिक क्रियाकलापों को वो सही ढंग से नहीं कर पा रहे हैं, दैनिक क्रियाकलापों को सही ढंग से नहीं कर पा रहे हैं, तो इसका मतलब है कि हर बच्चा अलग होता है, हर बच्चा की कैपेसिटी अलग अलग होती है। विशिष्ट जीवन व्यापन करने वाले बालक। आपने देखा होगा, अपने आसपास भी देखा होगा, कई घुमक्कड़ जो बंजारे जातियां हैं, कथोड़ी है, सहरिया जनजाति है, गरासिया जनजाति है, मेव जनजाति है, तो ये जो जनजातियां हैं, रेबारी है, ये जो जातियां हैं, इन आदिवासी जातियों के बच्चे आज भी समाज की मुख्य धारा से बहुत दूर है। तो इन बच्चों को शिक्षा की मुख्य धारा में जोड़ना ही समावेशी शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है, और समावेशी शिक्षा के अंतर्गत इन बच्चों को शामिल किया जा सकता है। देखो कौन कौन से, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, तंत्रिकात्मक रूप से और विकासात्मक रूप से पिछड़े बालक, CWSN वाले बालक, नकारात्मक अभिवृत्ति वाले बालक, पाठ्यक्रम के कारण पिछड़े बालक, अनुपयुक्त योजनाओं के कारण पिछड़े बालक, बौद्धिक भिन्नता के कारण पिछड़े बालक, मनोसामाजिक रूप से। मनोसामाजिक कौन कौन से होते हैं बच्चों? आप जानते हो कई बच्चे संवेगात्मक रूप से स्थिर होते हैं। कौन से? संवेगात्मक रूप से, गुस्सा, चिड़चिड़ापन, डरपोक, भय, जिज्ञासा, उत्सुकता, कई जो संवेग हैं ये मनोसामाजिक जो चीज़ें हैं ये इनके कारण भी जो बच्चे होते हैं उन सब को भी इसमें शामिल किया गया है। और विशिष्ट जीवन व्यापन करने वाले बच्चों को भी समावेशी शिक्षा के अंतर्गत शामिल किया गया है। तो ये समावेशी शिक्षा में निम्न बालकों को शामिल किया जा सकता है। ठीक है बच्चों, अब आता है कि समावेशी शिक्षा के सपने को साकार करना है तो उसमें क्या क्या चीजें होनी चाहिए। सबसे पहला उपयुक्त सहायता एवं सेवा। आपने देखा एक शिक्षक पढ़ा रहा है, सामान्य बालक को पढ़ा रहा है, विशेष बालक को पढ़ा रहा है, लेकिन विशेष बालक
नहीं कर पा रहा है, अधिगम क्षमता उसकी विकसित नहीं हो पा रही है, तो टीचर क्या करेगा क्लास में, मॉडल प्रस्तुत करेगा, पारदर्शक चित्र दिखाएगा, टेप रिकॉर्डर दिखाएगा, बच्चे को टीवी दिखाएगा, बच्चे को मानचित्र दिखाएगा, बच्चे को ग्लोब दिखाएगा, तो इन चीज़ों के माध्यम से उसकी सीखने की जो क्षमता है वो क्या हो जाएगी बच्चों, विकसित हो जाएगी। अगर हम उन्हें उपयुक्त सहायता और सेवा नहीं देंगे तो समावेशी शिक्षा का जो सपना है कि सामान्य बालकों को विशिष्ट बालकों के साथ पढ़ाया जाए वो सपना साकार नहीं होगा। तो इसके लिए उन्हें विशिष्ट तकनीकी सहायता और सेवा प्रदान करनी होगी। अब आपको जानते हो कि कई बच्चे जो लिख नहीं पा रहे हैं, या मतलब हैंडीक्राफ्ट जो बच्चे होते हैं जिनका लिखने की कैपेसिटी नहीं होती, उन बच्चों को सहायक दिया जाता है, तो उनकी सेवा के द्वारा हम समावेशी शिक्षा के सपने को साकार कर सकते हैं। फिर आता है बच्चों सक्रिय भागीदारी। आप जानते हो समेकित शिक्षा का मेन उद्देश्य था बच्चों की बच्चे को स्कूल तक लाना, लेकिन समावेशी शिक्षा कहती है कि हर बच्चा चाहे वो किसी भी तरह का हो, विशिष्ट हो, शारीरिक रूप से विमंडित हो, मानसिक रूप से विमंडित हो, किसी भी टाइप का बच्चा हो, उसका विद्यालय में सक्रिय भागीदारी होगी, चाहे वो खेलकूद में हो, चाहे वो पाठ्यक्रम में हो, चाहे पाठ्य सहगामी क्रिया में हो, चाहे संगीत में हो, चाहे वाद विवाद में हो, सभी में क्या होगा, सभी में उसकी सक्रिय भागीदारी होनी चाहिए, क्योंकि बच्चे की अगर सक्रिय भागीदारी होगी तो ही बच्चा अपना संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास कर सकता है, सामाजिक गुणों का विकास कर सकता है, समाज में जीवन यापन करने का तरीका सीख सकता है, अपने जीवन के लक्ष्य को निर्धारित कर सकता है। फिर आता है उद्देश्य। उद्देश्य मैंने अभी बता ही दिया क्या, कि समावेशी शिक्षा का उद्देश्य है बालक का सर्वांगीण विकास करना, तो समावेशी शिक्षा का मेन उद्देश्य है सामाजिक अभिवृत्ति का विकास करना, भेदभाव को समाप्त करना, समानता के सिद्धांत को आगे बढ़ाना, आरटी अधिनियम को साकार करना, ये सब इसका मेन उद्देश्य माना जाता है। उसके बाद आता है बच्चों सहयोग एवं टीम भावना। आपको पता है सामान्य बालक विशिष्ट बालकों के साथ अध्ययन करता है तो उनमें सहयोग की भावना होनी चाहिए, और जब टीचर पढ़ा रहे हो तो विशिष्ट शिक्षक और जो सामान्य शिक्षक है उन दोनों में तालमेल और सामंजस्य होना चाहिए कि किस प्रकार जो विशिष्ट बालक है उनको पढ़ाया जा सकता है। तो ये चार संघटक है इसके। पहला है उपयुक्त सहायता एवं सेवा, दूसरा सक्रिय भागीदारी, तीसरा उद्देश्य, चौथा सहयोग एवं टीम भावना। इन आधारों पर हम क्या कर सकते हैं बच्चों, समावेशी शिक्षा के सपने को साकार कर सकते हैं। उसके बाद आता है बच्चों क्या, कि समावेशी जो शिक्षा है, समावेशी शिक्षा अधिनियम। कौन सा अधिनियम आया बच्चों, समावेशी शिक्षा अधिनियम, समावेशी शिक्षा अधिनियम और आपका नेशनल ट्रस्ट एक्ट 1999 आया, उसमें ये बताया गया कि विशिष्ट बालक कितने प्रकार के हो सकते हैं, तो उन्होंने चार प्रकार की बाधाएं बताई, चार प्रकार की विकलांगता के 10 प्रकार की विकलांगताएं बताई, वो देखिए कौन कौन से, किसने, समावेशी शिक्षा अधिनियम कब आया, 1995 में आया, और एक आया बच्चों नेशनल ट्रस्ट एक्ट 1999, उसने कहा गया कि विकलांगताएं, पहला है ब्लाइंडनेस, ऐसे बच्चे जो बिल्कुल नहीं देख सकते, फिर आता है लो विजन, क्या आता है बच्चों, लो विजन, जिनकी कैसा दृष्टिकोण है, अल्प दृष्टिकोण है, जो कब देख पा रहे हैं, इसके अलावा कई बच्चे ऐसे होते हैं जिनमें बहुआयामी विकलांगताएं होती है, ठीक है, इसके अलावा जो है जैसे अल्प दृष्टि होती है, इसके अलावा मेंटल रूप से रिटार्डेशन होता है, अस्थि विकलांगता पाई जाती है, सीखने संबंधी अक्षमताएँ एक साथ एक ही बच्चे में पाई जाती है, तो वो कहलाती है बच्चों बहुआयामी विकलांगताएँ। इसके अलावा सेरेलम पॉल्सी, ऑटिज्म,
इसके अलावा देखो मेंटल इलनेस, लोकोलेटर डिसेबिलिटी, सेरेलम पॉल्सी, हियरिंग, ये सब 10 प्रकार की मानसिक विकलांगताएं हैं जो बच्चे में पाई जाती है। तो ये कौन कह रहा है? समावेशी शिक्षा अधिनियम 1995 और नेशनल ट्रस्ट एक्ट 1999, ये दोनों अधिनियम इस बात को कह रहे हैं क्या, इस समावेशी शिक्षा में ये बच्चे शामिल होते हैं। तो आज हमने समावेशी शिक्षा का इतिहास, पृष्ठभूमि, समावेशी शिक्षा में किन किन बच्चों को शामिल किया जा सकता है, इन सब के बारे में बच्चों पढ़ा। और समावेशी शिक्षा के संगठक कौन कौन से हैं, समावेशी शिक्षा के सपने को साकार करने में SSA, रमसा और समसा के योगदान को हमने पढ़ा। अब जो नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे बच्चों, समावेशी शिक्षा को प्रभावित करने वाले कारक, बाधाएं, सीमाएं और समावेशी शिक्षा के आधारों के बारे में चर्चा करेंगे। बच्चों एक वीडियो में आपके लिए ऐसा बनाऊंगी जिसमें सभी अति लघुत्रात्मक, लघुत्रात्मक और जो आपके दीर्घकालीन जो लॉन्ग टाइप के जो क्वेश्चंस हैं उन सब के बारे में देखेंगे कि पिछले सालों में कौन कौन से क्वेश्चंस आए हैं, उन क्वेश्चंस में से किस टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं और इन नोट्सों के आधार पर हम उनके आंसर किस प्रकार दे सकते हैं ये हम वीडियो में देखेंगे बच्चों। इसके अलावा आप चाहते हैं कि मैं आपको शिक्षा मनोविज्ञान पढ़ाऊं तो आप नव भारती स्टडी सर्कल चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन पर क्लिक करें। आप चाहते हैं कि मैं रेनू वैद आपके लिए इसी तरह वीडियो बनाऊं तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। और समावेशी शिक्षा के जो भी मैंने नोट्स बोर्ड पर लिखे हैं उनको अपनी कॉपी में नोट डाउन करते रह जाए। और बीएड सेकेंड ईयर के छात्रों के लिए बहुत ही उपयोगी वीडियोस है, आप इनको ध्यान से सुने, देखें, बुक का रेफरेंस लें और उसके आधार पर स्टडी को जारी रखें, क्योंकि इस कोरोना में आपकी ऑफलाइन क्लासेस नहीं लग पा रही है, इसीलिए ऑनलाइन क्लासेस की सुविधा दी गई है ताकि आप घर बैठे भी आपके अपने अध्ययन को जारी रख सके। तो आप चाहते हैं मैं इसी तरह से आपके लिए वीडियो बनाती रहूं तो आप नव भारती चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन पर क्लिक करें। आप नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे समावेशी शिक्षा के घटक, समावेशी शिक्षा को प्रभावित करने वाले कारक, समावेशी शिक्षा के अंदर आने वाली बाधाएं, इन सब के बारे में हम चर्चा करेंगे। धन्यवाद।